वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज सानवी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप पेंसिल टॉप्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए डेकोरेशंस जो ऑप्शनल हैं। आप या तो ये A4 साइज चीज ले सकते हो, या तो आप ये गोल्डन डेकोरेटिंग पेपर ले सकते हो। ये एकदम ऐसे है, या तो आप ओरिगामी पेपर ले सकते, एकदम ओरिगामी पेपर ले सकते हो। ये आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। देखो ये दोनों तो ऑप्शन ही थे, पर इनमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए स्केच पेंस, ये भी डेकोरेशन के लिए ही है, पेंसिल और ग्लू। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं और मैं अपने कैमरे की सेटिंग ठीक करते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गई थी, सीजर। और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी रैबिट वाला टॉप्स। तो रैबिट टॉप्स बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये एक छोटा सा पेपर, एकदम ओरिगामी की तरह से, और मैं अब इसको फोल्ड करूँगी। अब मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर ड्रॉ करना है। मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। मैंने बनाया है यहाँ पे ईयर्स, एक लाइन और एक रैबिट का छोटा सा फेस। तो अभी हमें इसको काटना है, मैं काटती हूँ इसे। गाइस एक बात याद रखना, यहाँ पे जो हमने फोल्ड किया था और यहाँ पे जो है वहीं पे आपको ड्राइंग बनानी है। आप बस इस साइड में ड्राइंग बनाना जहाँ पे खुला है, जहाँ पे बंद है वहीं पे ड्राइंग बनाना है। तो गाइस जब आप काटेंगे तो आपको ऐसा छोटे से क्यूट सा एक फेस मिल जाएगा। और अब हमें इस फेस में ही ऐड करना है कुछ, जिससे हम इसके अंदर भी पेंसिल ऐसे लगा पाए। इसके लिए हमें चाहिए पेपर और तो गाइज मैं एकदम छोटी छोटी चीज़ों को लेके ही एक टॉप्स बना रही हूँ। तो मैंने ये लिया है अपना पेपर और अब मैं इसको अपनी पेंसिल पे लपेटूंगी। ऐसे सो गाइज करके आप बस इसके ऊपर धूल लगा देना अच्छी में और बस इसको लपेट देना। और अभी ये मैं बस ग्लू को प्रेस कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए, फिर मैं इसको निकालूंगी। और फिर मैं इसको काटूंगी थोड़ा सा ताकि मेरे को फिनिशिंग मिल जाए ऊपर से और नीचे से। और फिर अब मैं अपना रैबिट लूँगी और उसके पीछे ये लगा के देखूँगी कि ये ठीक तो है। और अब गई ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा है मेरे हिसाब से, तो मैं इसको थोड़ा सा काट दूँगी। फिर पेंसिल में डाल के देखूंगी, ये पेंसिल में तो डल रहा है। और अब मैं अपने रैबिट में लगा के देखूंगी, ये रैबिट में भी डल रहा है। इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट है हमारे लगाने के लिए। अब हम अपनी ग्लू लेंगे और इसको स्टिक कर देंगे। गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने स्टिक कर दिया है। और अब मैं इसको थोड़ा सा सुखाने के लिए रखूँगी। सो
गाइस ये अच्छे से सूख चुका है, पर इसमें ज़्यादा नहीं लग रहा कि ये रैबिट है। इसके लिए मैं इसमें स्केच पेन का यूज़ करूँगी और सबसे पहले मैं इसकी आईज ड्रॉ करूँगी वो ब्लैक से। नेक्स्ट मैं इसकी नोज करूँगी वो भी रेड से। तो ये नोज भी हो गई है और हमारा छोटा सा क्यूट सा रैबिट भी बन गया है। अब मैंने जो डेकोरेशन दी थी वो ऑप्शनल थी। अगर आपको इसका बो बनाना है तो आप स्केच पेन से भी इसका बो बना सकते हैं, नहीं तो मैं अपने डेकोरेशन से इसके लिए एक गोल वाली डेकोरेशन लगा के इसके ऊपर लगा रही हूँ। एकदम ऐसे। और मैंने इसके लिए एक और लगा दिया है और ये बहुत क्यूट भी लग रहा है, तो मैं आपको अपने पेंसिल में लगा के दिखाती हूँ इसको। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा है और है भी ये क्यूट। और आप इसको ये नीचे से भी लगा सकते हैं। ये एक अच्छा सा पेंसिल टॉप्स था। और सो गाइस ये तो मेरा फेवरेट क्राफ्ट था और ये अब मेरी बन गई है फेवरेट पेंसिल, जिसके ऊपर भी मैं ये टॉप्स लगाऊंगी वो बन जाएगी मेरी फेवरेट पेंसिल, क्योंकि ये बहुत क्यूट है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को दबा देना। इस वीडियो को लाइक करना तो मत भूलना। बाय।